गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सनसे मैनेज। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों सीटेट दिसंबर 2022 को लेकर के। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीटेट दिसंबर 2022 का फॉर्म फिल हो रहा है और इस सीटेट दिसंबर 2022 को सातवें चरण से हम लोग को रिलेट करेंगे। आखिर इस एग्जाम का कितना असर होगा सातवें चरण नोटिफिकेशन पर दोस्तों, क्या इससे पहले आएगा, इसके बाद आएगा, मेरिट पर कितना असर होगा, इन सब चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीटेट दिसंबर में एग्जाम सेंटर को लेकर के। दोस्तों एग्जाम सेंटर बढ़ना चाहिए दोस्तों, खासकर बिहार में जो एग्जाम सेंटर जितना दिया गया है वो एग्जाम सेंटर को बढ़ा देना चाहिए सीटेट वालों को दोस्तों बहुत जल्द, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो डेट दिया गया था फॉर्म फिल करने का एक सप्ताह भी नहीं हुआ और बिहार के अंदर 2 लाख से ज्यादा यहाँ पे आपका जो सीट जो दिया गया था वो सारा सीट एक सप्ताह विद इन वन वीक भी कंप्लीट नहीं हुआ और सारे सीट फुल हो गए दोस्तों। तो अब शिक्षक अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे एग्जाम देने के लिए दोस्तों। उसके बाद बिहार से सटे हुए जो राज्य हैं दोस्तों झारखंड और आपका यूपी, वहां भी पूरी की पूरी सीट समाप्त हो चुकी है। ऐसा नहीं कि यूपी का सीट यूपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके तरफ से समाप्त कर दिया गया, जी नहीं, बिहार के कैंडिडेट के तरफ से उसे फिल कर दिया गया। झारखंड तो ऐसा नहीं है कि झारखंड की जो सीटें सारी के सारे समाप्त हो गई है तो वो झारखंड के कैंडिडेट इतना फॉर्म फिल कर लिए कि उनकी वजह से उनकी सीटें समाप्त हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। और ये सारे के सारे बिहार के कैंडिडेट जो कि 2 लाख जो सीट फुल हो गया बिहार में, उनके पास अब सिर्फ और सिर्फ दूसरा ऑप्शन बचा और वो ऑप्शन था आपका झारखंड और यूपी दोस्तों। और अब तीसरा जो नंबर है ये वेस्ट बंगाल का है दोस्तों। अब जो भी लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं वे वेस्ट बंगाल जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, तो सीबीएसई वालों को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि आखिर बिहार में इतना जल्द सारे के सारे फुल सीट हो गए हैं, सारे के सारे सीट जो है वो फुल हो गए हैं, तो अब उनके लिए राहत देनी चाहिए और कम से कम बिहार में 1 लाख से अधिक फिर से सीट देना चाहिए जिससे शिक्षक अभ्यर्थी को परेशानी ना हो उन्हें एग्जाम देने के लिए, क्योंकि जो एग्जाम होगा वो ठंड के समय में होगा और लोग दूर दराज जाकर के एग्जाम देंगे, काफी समस्याएं होंगी रिजर्वेशन का, क्योंकि आपके तरफ से जो दिया जाता है एग्जाम सेंटर बताया जाता है कि आपको यहाँ जाना है वहां जाना है, तो काफी एक सप्ताह पहले बताया जाता है या एक सप्ताह 4 दिन 5 दिन पहले बताया जाता है। तो मुझे तो मालूम है कि ठीक है मैं कौन सा सिटी दिया हूं, समस्याएं उस समय काफी बढ़ सकती है जब लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, लोग इधर उधर सारे एग्जाम देंगे, कोई दिल्ली जाएगा तो कोई कोलकाता जाएगा और कोलकाता में भी एग्जाम बॉर्डर पे जब दे दिया जाएगा कि वो लास्ट बॉर्डर होगा तो समस्याएं जाकर के आपकी बढ़ेंगी दोस्तों। यदि टाउन के अंदर में रहे तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन एकदम बॉर्डर पे हो जो कि आपका वहां से 100 किलोमीटर पर जाएगा तो समस्याएं होंगी। और इसलिए सीबीएसई वालों से जो सीटेट 2 दिसंबर 2022 का जो आपका एग्जाम सेंटर है वो बिहार में कम से कम 1 लाख और बढ़ा देना चाहिए सीटें, और कम से कम 1 लाख बढ़ा देना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज फिर एग्जाम के समय काफी समस्याएं होंगी, काफी प्रॉब्लम्स होगा लोगों को आने जाने में। और पूरे दिन दिन भर एग्जाम चलता है, 2 सीटिंग का एग्जाम्स होता है मॉर्निंग और उसके बाद इवनिंग हो जाता है, काफी समस्या होगी यदि लोग अदर स्टेट में जाएंगे सीटेट का एग्जाम देने के लिए, तो उनसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि वो बिहार में कम से कम सीट बढ़ा दें, क्योंकि बिहार में सातवां चरण आने वाला है और उसको देख करके जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो काफी ज्यादा हैं और वो लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, इस वजह से समस्याएं काफी बिकट हो जाएगी दोस्तों। दूसरी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं दोस्तों, सीटेट दिसंबर 2022 के पहले यदि आपका सातवां चरण नोटिफिकेशन आ जाता है तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि आपका सीटेट दिसंबर 2022 का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका सातवां चरण आता है जिसकी संभावनाएं सबसे ज्यादा दिख रही है दोस्तों, और सीटेट दिसंबर 2022 से पहले सातवां चरण नोटिफिकेशन आने की संभावनाएं बिल्कुल कम दिखाई दे रही है और रिजल्ट आने के बाद की संभावनाएं ज्यादा दिखाई दे रही है। तो वैसी स्थिति में कितना असर होगा आपके मेरिट पर दोस्तों, मेरिट पर कितना अधिक असर हो सकता है, क्योंकि इस बार जो मेरिट है दोस्तों आपको मालूम है कि वो 60:40 रेशियो होगा, जो आपका मेरिट जो होगा वो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि इस बार का जो आपका बनेगा मेरिट वो 60:40 रेशियो के आधार पर बनेगा। तो जब 60:40 रेशियो के आधार पर आपका मेरिट बनेगा
तो समस्याएं तो होगी। इसमें 60% जो वेटेज होगा दोस्तों वो आपका सीटेट के मार्क्स का होगा और 40% जो वेटेज होगा वो आपके एकेडमिक का होगा, एकेडमिक का होगा दोस्तों। तो जो नए कैंडिडेट हैं उनका एकेडमिक तो खैर अच्छा है ही, और साथ ही साथ यदि वो सीटेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनका जो ओवरऑल जो मेरिट बनेगा दोस्तों वो अच्छा बनेगा। लेकिन जो पुराने कैंडिडेट्स हैं जिनका पहले आपका बहाली नहीं हो पाया था सिक्स फेज में, तो एकेडमिक तो उनका लो है, और यदि वो सीटेट इस बार अच्छे से नहीं देते हैं, तैयारी करके नहीं देते हैं, तो फिर से उनका मेरिट बनने में समस्या होगी दोस्तों। इसलिए कुछ फोकस करना चाहिए सीटेट पे, और सीटेट में कम से कम 120 नंबर आपको लाना होगा। 120 नंबर आप ले आइएगा तो आपका मेरिट बहुत ही ज्यादा बन जाएगा। अब देखिए, एक जो है 90 पे पास है और एक जो है वो 120 पे पास है, तो इसकी वजह से आपके मेरिट में कितना का अंतर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एक कैंडिडेट से है जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई है, जस्ट क्वालिफाई है 90, और एक कैंडिडेट से है जो थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट्स लगाता है, ज्यादा मेहनत करा है और उनका 120 नंबर आ गया है, तो बताइए उनके मेरिट में कितना ज्यादा का अंतर हो जाएगा दोस्तों। यदि किसी का 90 नंबर आया हुआ है तो ये मान करके चलिए कि ये आपका जो 90 नंबर है आपका कितना हो जाता है, 150 इंटू डिवाइड कीजिएगा, ये आपका 60% होता है, ठीक है ना। ये आपका 60% हो गया, और यहां से इसको कैंसिल कर दिए, तो ये आपका 90 नंबर जो होता है ना वो आपका 60% है। अब 60:40 रेशियो में इज 60 का कितना चाहिए, 60% चाहिए दोस्तों। इस 60 का 60% चाहिए, मतलब कितना, 36 मार्क्स आपको इसका ऐड होगा। लेकिन कोई एक बंदा है जिसका 120 मार्क्स आता है, तो 120 मार्क्स आएगा तो ये आपका 80% होता है दोस्तों, ठीक है। आप इसको निकाल सकते हैं, 120 बटा का 150 कर दीजिए, गुना 100 कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका 5 से 3 बार में और ये 2 बार में, 3 से 40 दूनी 80, तो ये आपका 80। अब इसका कितना आएगा, आपका 60% आएगा, तो यहाँ पे आप इसका 60% निकालिएगा ना दोस्त, तो देख लीजिए 8, 6, 48, 48। यदि एक कैंडिडेट से है जिसका आपका 90 मार्क्स आया हुआ है तो उसका मेरिट एड होगा कितना, 36। लेकिन दूसरे कैंडिडेट से है, दूसरे बंदा है जिसका 120 नंबर आया हुआ है, उसका कितना एड होगा, 48 एड होगा दोस्तों। तो आप समझ लीजिए कि वो अभी के अभी आपसे कितना आगे बढ़ गया, 12 नंबर मेरिट में दोस्तों, ये 12 नंबर। यदि इसका मेरिट बनता है 60, यदि मान लीजिए एकेडमिक दोनों का सेम है, ठीक है, दो कैंडिडेट है यहाँ पे, दो कैंडिडेट है, एक ए कैंडिडेट है और दूसरा आपका बी कैंडिडेट है, इसका नंबर आया सीटेट में 90, इसका नंबर आया सीटेट में 120, ठीक है, और दोनों का जो एकेडमिक है, मान लीजिए दोनों का जो एकेडमिक होगा वो क्या है, वो सेम है, ठीक है, दोनों का एकेडमिक सेम है, दोनों का एकेडमिक 25-25 बनता है, ठीक है ना। इसका भी एकेडमिक में 25 बनता है, इसका भी एकेडमिक में आपका 25 बनता है, लेकिन सीटेट में ये आया आपका 90 नंबर लेकर के, ये आया आपका 120 नंबर लेकर के, तो अब इसका कितना मेरिट में एड होगा, 36 एड होगा, और इसका कितना एड होगा दोस्तों, 48 एड होगा, ठीक है। अब दोनों का मेरिट में देख लीजिए, अब वहां ये मेरिट बनता है आपका एकेडमिक में 25 बनता है, दोनों आप मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, बीएड का, सबके प्रतिशत को ऐड करके और 4 से डिवाइड कर दीजिए, और जो आएगा उसका 40% निकाल लीजिए, तो कितना आ रहा, मान लीजिए 25 आ रहा है, तो अब इसका भी कितना ऐड होगा यहाँ पे, 25 ऐड होगा, और इसका कितना ऐड होगा यहाँ पे, 25, तो 8, 5, 13 का 3 हाथ में, 1, 4, 2, 6 और 1, 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 6, 5, 11 का 1, 3, 5 और 1, 6। तो देख लीजिए इनका आता है 61 और इनका आता है 73, ठीक है। तो बताइए किनका होगा, किनको आराम से मिल जाएगा, तो 73 वाले को मिल जाएगा। अब कहिएगा कि सर 120 नंबर लाना थोड़ा सा टफ काम है, तो थोड़ा सा आपको ज्यादा एफोर्ट करना होगा। दूसरा, यदि आप 120 नहीं कर सकते हैं तो आप 110 तो कर सकते हैं ना, यदि आप 110 भी कर लेते हैं दोस्त, जो कि 90 से बहुत ज्यादा नहीं है, यदि आप 110 तक भी जाते हैं तो देख लीजिए 110 आपका कितना आएगा, यहाँ से 3 से और यहाँ पे 2 से, तो ये हो गया कितना आपका, 220 बटा का 3 हो गया, ठीक है, 220 बटा का 3, मतलब 7 या 21 आपका आ गया कितना, 73। और अब आपको इसका 60% निकाल देना है दोस्त, तो इसका आप 60% निकालिएगा, तो 36, 18 के 8 हाथ में 1 और 7, 6, 42 और 1, 43,
और एक 10 आपका आ जाएगा, मतलब आपका 43.8 आ रहा है, 43.8 आ रहा है। और यहाँ पे आपका 36 आ रहा है, ठीक है ना। आप देख लीजिए यहाँ पे 36 आ रहा है, यहाँ पे आपका 43.8 आ रहा है, और 120 आप ला रहे हैं तो आपको कितना ऐड होगा, 48 ऐड होगा दोस्तों। तो यदि कोई बंदा यहाँ पर भी देख लीजिए 36 उसका ऐड हो रहा है 19 नंबर ला करके, कोई 110 नंबर लाया हुआ है तो उसका 43 ऐड हो रहा है। और ये नंबर जो है वो डायरेक्ट डायरेक्ट किसमें ऐड होगा, आपके मेरिट में ऐड होगा दोस्तों। तो वो आपसे काफी आगे निकल जाएगा, घर का च्वाइस मिल जाएगा, जहां चाहेगा वहां मिल जाएगा, फर्स्ट बार में काउंसलिंग हो जाएगी, ये सारी चीजें उसके साथ होने वाला है दोस्तों। तो ये असर आपका काफी होने वाला है इस बार जो सीटें दिसंबर 2022 हो रहा है दोस्तों।